सर्ग स्वागत करता है। मारो मुझे। गाइस, पहली बार ट्रेन में ब्राइडल मेकअप करके मैंने मेरा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। एंड देन बस के अंदर ब्राइडल मेकअप करके मैंने मेरा दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। पेट्रोल से एल हटा दे तो होता है पेट्रो, और आज मैं मेकअप करने जा रही हूँ इन अ मेट्रो। गाइस, आप लोग तो इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करते हो कि मुझसे मेरा तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड करवा के ही छोड़ोगे। तो चलिए गाइस, देखते हैं मेट्रो में जाके मैं मेरा ब्राइडल मेकअप कर पाती हूँ क्या, मैं मेरा तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड कंप्लीट कर पाती हूँ। तो चलिए, इसके लिए वीडियो को एक लाइक तो करना पड़ेगा यार। मैं इतनी गर्मी में, इतनी ज्यादा भीड़ में मेट्रो में जाके ब्राइडल मेकअप करूंगी, और आप तो फ्री में लाइक कर सकते हो, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो जल्दी से एक लाइक कर दो। चलो हेलो नील हर्ट्स। तो मैं फाइनली मेट्रो में आ चुकी हूँ, एंड अभी मैं मेरा ब्राइडल मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेट्रो में इतने सारे लोगों के सामने मेकअप करूंगी तो पता तो चल ही रहा है मैं कितनी बड़ी बेशरम हूँ। तो गाइस, दुल्हन नई नवेली वो भी थोड़ी सी शर्मीली तो दिखनी चाहिए ना, तो इसीलिए सबसे पहले मैं पिंक कलर की लिपस्टिक से ब्लश लगाऊंगी। एंड आप देखो पास में लोग मुझे कैसे घूर रहे हैं कि ये पागल लड़की कौन है जो मेट्रो में बैठ के मेकअप कर रही है। इसके पास और कोई जगह नहीं था, ये तो उठ के चला गया। ओ भाई, ये दोनों तो पहले खड़े होके देख रहे थे और फिर कैमरा देख के। मेकअप करते करते मेट्रो स्टेशन से मुझे मिली मेरी एक क्यूट सी नील हर्ट। तो हमने थोड़ी बातें की, थोड़े से सेल्फी लिए, एंड देन इसके बाद मैं फिर से करने वाली हूँ मेरा मेकअप स्टार्ट। ओके, तो अभी मैं लगाने वाली हूँ फाउंडेशन। गाइस, मैं फिर से बेशर्मों की तरह बैठ चुकी हूँ। गाइस, मेकअप में फाउंडेशन लगाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं फाउंडेशन लगा रही थी और मेरे जो पास वाले अंकल है ना, इनको अच्छे से दिख नहीं रहा था क्योंकि उन्होंने सनग्लास लगा रखा था ना, तो इसलिए उन्होंने सनग्लास उतार लिया ताकि अच्छे से वो मेरा मेकअप देख पाए एंड सीख पाए। बट इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि यार क्या हो गया, ये लड़की को मेरे ही पास में बैठ के मेकअप करना था क्या। बट मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, देखो मैं बिल्कुल अच्छे से मेकअप करी जा रही हूँ, फाउंडेशन ब्लेंड करी जा रही हूँ। गाइस, समझ ही सकते हो मेट्रो में मेकअप कर रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैं निकली हूँ, एंड मेट्रो के अंदर ही मुझे पूरा मेकअप खत्म भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मैं लगाऊंगी थोड़ा सा कंसीलर क्योंकि दुल्हन वाला मेकअप है, तो इसीलिए थोड़ा कंसीलर तो जरूरी है। गाइस गाइस, मैं तो थोड़ा सा कंसीलर लगाकर बिल्कुल जंगली बनके मेट्रो में बैठी हुई हूँ। बट जो लोग उठ रहे हैं ना, वो तो मेरे पास बैठने के लिए भी शर्मा रहे थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये लड़की पागल है क्या, ऐसे क्यों बैठी हुई है। बट ये अंकल जी आके बैठ गए और वो मतलब मुझे देख के उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये दुल्हन है, ये पागल है, ये इतना मेकअप कर रही है, किस लिए कर रही है, किसके लिए कर रही है। वो अंकल तो मेरे से ज्यादा मेरे आईना में देख रहे थे यार, उनको भी शायद थोड़ा बहुत मेकअप करना था। ओके, तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी में कंसीलर भी ब्लेंड कर लिया है गाइस, एंड अभी हमें बहुत जल्दी मेकअप कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो हम पहुंच जाएंगे, एंड पहुंचने से पहले तो मुझे कंप्लीट करना ही होगा। तो सबसे पहले अभी पाउडर लगाते हैं। सच्ची बोल रही हूँ गाइस, शायद आप भी मेरी वीडियो इतना ध्यान से नहीं देखते हो जितना ये अंकल जी देख रहे थे। गाइस, अभी जल्दी जल्दी ना मैं सबसे पहले ज्वेलरीज पहन लूंगी क्योंकि नहीं तो यार बाद में भीड़ हो जाएगा तो ज्वेलरीज नहीं पहन पाऊंगी। ओके, तो अभी मैं अप्लाई करूंगी थोड़ा सा और ब्लशर। यहाँ पे देखो, यहाँ से भी कोई पास हो रहा था, बट वो भी सोच रहे थे कि इसके पास में बैठ जाऊँ, ये बेचारी लड़की को तो अच्छे से मेकअप नहीं कर पाएगी, ये इसका जगह ब्लॉक हो जाएगा, तो इसलिए वो मेरे पास बैठे नहीं। तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान से मेरी आईब्राउज को फिलअप कर रही हूँ गाइस, और चलती हुई मूविंग मेट्रो में ना अच्छे से आईब्रो फिलअप करना बहुत बड़ा टास्क होता है। ओके, तो अभी सबसे पहले आई मेकअप करेंगे गाइस जल्दी जल्दी क्योंकि हम बहुत दूर अभी ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। आप बस
पास वाले अंकल को देखो, वो सोच रहे हैं यार ये लड़की कर क्या रही है, वो तो मतलब पसीना पसीना हो गए, इतना घबरा गए वो। और पास में जो दीदी बैठी हुई है ना, वो भैया को समझा रही है कि यहाँ पे कैमरा हो रहा है, वीडियो बन रहा है, तो इसलिए कैमरा की तरफ देख के उन्होंने थोड़ा सा पोज भी दे दिया। तो अभी मैं कर रही हूँ मेरा आई मेकअप, तो अंकल पहले सोच रहे थे कि मेरा आई मेकअप देखेंगे वो, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं कैमरा की तरफ ही देखते हैं, फिर वीडियो में खुद का चेहरा भी अच्छे से दिख जाएगा। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए ना वो एक बार मेरी तरफ एक बार कैमरे की तरफ ऐसे ही देख रहे थे। तो आई शेडो भी कम्प्लीट हो गया, अभी फाइनली आई लाइनर जल्दी जल्दी लगाऊंगी। मैं बहुत ज्यादा ध्यान से ना आई लाइनर लगा रही थी गाइस, इसलिए मिरर को देखना पड़ रहा था, कैमरा की तरफ देख ही नहीं पा रही थी। बट कोई बात नहीं, ये देखो ये जो अंकल है और वो जो दीदी है, वो दोनों ना बार बार कैमरा की तरफ देखेंगे, ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ, आप लोगों की तरफ भी तो देखने वाला कोई चाहिए ना। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। गाइस ये जो मेरी मेकअप की झोली है ना, इससे मेकअप निकालने से ज्यादा आसान तो खजाना ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे मैं ढूंढने जा रही हूँ, पर मुझे कुछ मिल नहीं रहा। तो फाइनली मुझे मिल चुका है मेरी फेक फॉल्स आईलैश, जो मेरे ही तरह फेक है। तो इसको कहाँ पे लगाऊं, जगह नहीं मिल रहा था गाइस, इसलिए मैंने गाल पे ही लगा लिया। सोचो एक फुल भरी हुई मेट्रो में एक लड़की गाल में आईलैश लगा के घूम रही है। तो फाइनली एक आईलैश को ना मैंने अच्छे से आईज पे लगा लिया है। देखो मुझे डर लग रहा था यार मेरे नाखून मेरे आंखों के अंदर ना घुस जाए, बट यार ये जो दीदी थी बहुत अच्छी थी, मतलब उन्होंने मुझे थोड़ा सा हेल्प भी किया, आपको दिख जाएगा वीडियो में। एंड अभी फाइनली गाल से मैंने निकाल लिया मेरी आईलैश को, एंड फिर से लगा लूंगी। देखा आपने दीदी कितनी अच्छी थी, कितने अच्छे से हेल्प किया मेरी। सो गाइस ऑलमोस्ट डन हो गया है, अभी मैं लिपस्टिक लगाऊंगी सबसे पहले। तो गाइस यहाँ पे मैं पहला लिपस्टिक लगा रही हूँ, जो कि एक न्यूट कलर का लिपस्टिक है, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे कौन सा कलर लगाना चाहिए। और लिपस्टिक लगाते ही बहुत सारे लोग आ गए मेट्रो के अंदर। गाइस अंकल आके मेरे पास बैठ तो गए हैं, पर इसके बाद उनको रियलाइजेशन हुआ कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल बैठना नहीं चाहिए था। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है मैं ऊपर देखूं, नीचे देखूं, इस लड़की की तरफ देखूं या कैमरा की तरफ देखूं, इसलिए वो बिल्कुल ऊपर एकदम ऊपर ही देख के बैठे थे। गाइस इसके बाद तो भीड़ और ज्यादा बढ़ गई मेट्रो में, मतलब बैठने जगह नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे मुझे देखो, मुझे तो मेरा मेकअप कंप्लीट करना है, बहुत ज्यादा मुश्किल से मैं मेरा मांग टीका लगा रही हूँ, मतलब लग नहीं रहा है। देखो मतलब इतना मैं स्ट्रगल कर रही थी ना, तभी ये जो भैया बैठे हुए हैं इनके पीछे से मैंने हाथ ऐसे घुसा दिया, ठीक है, ताकि हो जाए। वो जो अंकल है उनको भी मैं कोनी मारने की अभी कोशिश कर रही हूँ, मतलब पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ गाइस, बट मुझे तो ये चैलेंज कंप्लीट करना ही था। तो फाइनली मैंने मांग टीका तो लगा लिया था, बट अभी ये जो बंगाली लोगों का ट्रेडिशन होता है ना, ये जो क्राउन होता है ये पहनना ही होता है शादी में, तो फिर मैं ये क्राउन भी लगा रही हूँ। और उस बीच में वो अंकल उठ के ये वाले अंकल बैठ गए, जो फिर से सोच रहे यार मैंने ये कितनी बड़ी गलती कर दिया इस पागल औरत के पास में बैठने का। वो भी एक बार मेरी तरफ देखते हैं, एक बार कैमरा की तरफ देखते हैं, फिर खुद ही हंसना चालू कर देते हैं। मतलब आप बस देखो अंकल कितना स्वीटली मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो उनको समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लड़की भाग के शादी करेगी या शादी करने के बाद भागी है, या इसको मेंटल हॉस्पिटल से किसी ने छोड़ दिया है, उनको तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गाइस, इसलिए बिल्कुल कैमरा की तरफ देख के ही बैठे हैं। देखो और मेरे दाई तरफ के अंकल और ये भैया जी को तो देखो, ये दोनों तो फोन पे ही लगे हुए हैं बिल्कुल। सो गाइस बातों बातों में मैंने तो अच्छे से मेरा दुपट्टा भी लगा लिया, और ये मेरे पास में अंकल बैठे थे, इनको भी बहुत मजा आ रहा था इसलिए वो देख रहे थे मुझे। सो गाइस मेरा मेकअप तो ऑलमोस्ट डन हो गया है, बट मैं ना घर से बिंदी लाना ही भूल गई हूँ, एंड ब्राइड का मेकअप कभी भी एक बिंदी के बिना खत्म ही नहीं होता। गाइस ऐसे मतलब देखो कितनी जल्दी से मैंने ऑलमोस्ट मेरा मेकअप तो कंप्लीट कर ही लिया है। तो मैंने बिंदी लगा लिया लिपस्टिक से, एंड फिर ये वाला लिपस्टिक भी ना थोड़ा सा लगा ही लूंगी, क्योंकि थोड़ा लाल लाल लगेगा ना, तो थोड़ा और ज्यादा दुल्हन दुल्हन जैसी लगूंगी। और मेट्रो में जो भी लोग बैठे थे वो सोच रहे कि या तो इस लड़की का स्टेशन आ जाए या फिर मेरा स्टेशन आ जाए, कोई तो एक यहाँ से उतर जाए। सो गाइस मैं और ज्यादा कुछ भी नहीं करूंगी, ये मेरा ऑलरेडी खुल रहा है, पता नहीं क्यों, कितना टाइम रहेगा वो भी नहीं पता। लास्टली मैं बस थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊंगी। Lip, 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 lip.
छुड़ाएगी नौकरी। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अच्छा तो प्लीज मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है। मेट्रो में बैठ के मेकअप किया ताकि मुझे एक दूल्हा मिल ही जाए आज। मिलेगा, मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। थैंक यू, बोला कि बहुत मिल जाएगा बट मुझे एक ही चाहिए। मिल जाएगा। अरे ऑप्शंस इतना अच्छा है। कोई सिंगल फ्रेंड है क्या? सिंगल फ्रेंड हां बहुत, बट आज ही शादी करना पड़ेगा। जो आज ही शादी कर लेगा ऐसा बुला ले दो, दमदम में है। आपको अच्छा लगा है? अगर लगा है, मैंने बहुत मेहनत करके किया है तो एक लाइक तो कर ही देना। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या कर रहे हो? बाय, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में।